हेलो गाइस, आज के वर्षा एपिसोड में हम रेड हल्क और ग्रीन हल्क के पावर एंड वीकनेस और लास्ट में फाइट की पॉसिबिलिटी को देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप हमारी वीडियो देख सकें सबसे पहले। सो लेट्स बैटल बिगिन। ओरिजन ग्रीन हल्क का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था 1962 की इनक्रेडिबल हल्क इशू 1 में, जहां ब्रूस बैनर मिलिट्री के एक वेपन टेस्टिंग के दौरान गामा रेडिएशन के एक्सपोजर में आ गया, जिससे वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया। वहीं अगर रेड हल्क की बात करें तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस था जनवरी 2008 वॉल्यूम 1 इशू 1 में। इसके अल्टर ईगो जनरल थंडरबोल्ट रॉस हैं, जो ब्रूस बैनर और हल्क से बहुत ज्यादा नफरत करता है। बाद में वो हल्क को मारने के लिए द लीडर और मोडोक जैसे सुपर विलन से हाथ मिला लेता है, जिन्होंने हल्क की पावर को स्पिन ऑफ करके रॉस की बॉडी में डाल दिया, जिससे वो डेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया। बात अगर पावर्स की करें तो दोनों की पावर सेम है, लेकिन पहले ग्रीन हल्क के कुछ पावरफुल मूवमेंट्स को देख लेते हैं। एक बार प्लैनेट हल्क की स्टोरी लाइन में प्लैनेट सकार की प्लेट में क्रैक आ गया तो हल्क एक लावा रिवर के अंदर जाकर उन प्लेट्स को अपने हाथों से जोड़ दिया। एक बार हल्क ने एक सुपर विलेन ऑनस्लॉट से फाइट की। ऑनस्लॉट मैग्नेटो और प्रोफेसर एक्स के माइंड से बना था और उसके अंदर गॉड लाइक पावर थी। एक फाइट में उसने एवेंजर्स, एक्समैन, फंटेस्टिक फोर को एक साथ हरा दिया था, लेकिन हल्क के साथ थोड़ी सी फाइट के बाद हल्क के केवल एक पंच से ही ऑनस्लॉट के पुर्जे अलग हो गए। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर हल्क इशू 5 में उसके एक फुट स्टेप से ही पूरा एक आइलैंड डूब गया, और इसी स्टोरी लाइन में मार्वल यूनिवर्स के सारे हीरो मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए। लास्ट में सेंचुरी को आना पड़ा तो आपको हल्क के पावर का अंदाजा हो ही गया होगा। तो हल्क को जितना गुस्सा आएगा वो उतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। इसका मतलब है कि हल्क की पावर लिमिटलेस है। वहीं अगर रेड हल्क की बात करें तो रेड हल्क की पावर और स्ट्रेंथ किसी भी तरह की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके बढ़ती जाती हैं, खासकर गामा रेडिएशन। इसके अलावा वो कॉस्मिक रेडिएशन से भी पावर एब्जॉर्ब कर सकता है। रेड हल्क एक बार सिल्वर सल्फर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके उसका हार्वर्ड यूज कर चुका है, और नॉर्मल सेवेज हल्क के कंपैरिजन में रेड हल्क ज्यादा स्मार्ट, क्लेवर और स्ट्रेटेजिस्ट है, और वो एक बार वॉचर के एक पंच में स्पेस पहुंचा चुका है। और इसी स्टोरीलाइन में वॉल्यूम 1 रेड हल्क में वो थॉर के हैमर को भी लिफ्ट कर चुका है, और थॉर और सेवेज हल्क को ओवर पावर करके वो हरा चुका है। कॉमिक में उसकी स्टोरी को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं किया गया है, पर हल्क एंड एजेंट ऑफ स्मैश सीरीज में फैंस ने उसे काफी पसंद किया। उसने ज्यादातर मार्वल यूनिवर्स में हीरो की तरह भी काम किया है, इसलिए वो कुछ टाइम एवेंजर का मेंबर भी रह चुका है। अब इन सब पावर्स के अलावा रेड हल्क की एक वीकनेस भी है, वो ये है कि ज्यादातर फाइट करने के बाद रेड हल्क की बॉडी ओवरहीट होने लगती है, और इसी सिचुएशन में उसकी बॉडी वल्नरेबल हो जाती है। फाइट पॉसिबिलिटीज, अगर फाइट शॉर्ट पीरियड के लिए चले और दूसरा फाइट लंबी चले यानी डेथ बैटल, तो हम जानते हैं ग्रीन हल्क फाइट करते टाइम गामा रेडिएशन को एमिट करता है, और रेड हल्क गामा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके और भी ज्यादा पावरफुल बनता है। और गाइस, हल्क और रेड हल्क की लगभग पावर सेम है, केवल एक ही पावर डिफरेंट है। तो अगर फाइट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होगी तो रेड हल्क ज्यादा स्ट्रांग है, और अगर फाइट लंबी चलती है तो ग्रीन हल्क का गुस्सा भी बढ़ेगा और पावर्स भी। लेकिन रेड हल्क की पावर बढ़ने के साथ उसकी बॉडी ओवरहीट भी करेगी, जिसके बाद उसको आसानी से हराया जा सकता है। तो इस फाइट में ग्रीन हल्क जीतेगा। सो आप किसे मोर पावरफुल मानते हो? #Hulk #RedHulk हमें कमेंट करके जरूर बताओ, और ऐसे ही वर्सेस एपिसोड को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन को चेक करो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।